प्रहलाद जी एंड टीम नमस्ते, हमारे घर में आप वेलकम करता हूँ। तो आपके लिए बता रहा हूँ कि हम लोग ये प्रोग्राम ये साल में हर दिन हर महीना जनवरी से करते हैं और अभी तक 5 प्रोग्राम किए, ये छठवा है। तो मेरा वाइफ और मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, तो हम लोग ये करते हैं। और ऐसा भी है कि कोविड में बहुत दोस्त लोगों को बुला नहीं सका, तो ये बुलाने का एक तरीका है, जो दोस्त आप आते हैं घर में देखने के लिए। नहीं तो बहुत रिस्ट्रिक्ट किया, मेरे पूजा करते समय खाली 15 लोग थे मेरे रिलेटिव, किसी को बुला नहीं सका। तो इस तरह से मैं हमको हमारी जो इंटरेस्ट है म्यूज़िक में हम लोग फुलफिल करते हैं। सो वेलकम हियर, अभी तक कैन सीट देयर ना, देन वी विल चेंज द सीटिंग। या और 3 मेहमान आने वाले, 2 उसमें से वाशी वाले हैं जो अभी तक आए नहीं। तो ये प्रोग्राम अभी तक जो भी हमने प्रोग्राम किए सब मराठी में थे, तो आप एक खाली इंस्ट्रूमेंटल था, बाकी 4 मराठी थे। तो जिनको हिंदी समझती है उनको हम बुला नहीं पाए। तो अभी जो 20 हमारे दोस्त हैं उसमें से 16 ऐसे कि जिन्होंने मेरे घर में म्यूज़िक प्रोग्राम के लिए आए नहीं हैं। मनोज क्रिकेट का सुनने के लिए आया था, लेकिन म्यूज़िक प्रोग्राम के लिए 16 लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो हम लोग एंजॉय करेंगे आपके साथ। मैं रवि को, शशि को देता हूँ, एक शशि, वन शशि टू अनदर शशि। नमस्कार आप सबको, आज के इस महफिल में हार्दिक स्वागत। व्यक्तिगत स्तर पर मैं इतना खुश हूँ क्योंकि प्रहलाद जी को जब पहली बार मैंने सुना, एंड थैंक्स टू माय फ्रेंड फाल्गुनी, हम लोग उसके बाद मान लीजिए कि प्रहलाद जी हमारे लिए ऐसे मित्र हो गए कि बम्बई में आने के बाद कहीं भी रहे और हमारे पंचम निषाद के हर कार्यक्रम में जब भी भक्ति संगीत का समावेश करते थे हम, तो उसमें इनका कबीर सुनना ये अपने आप में एक आनंद था और है। अभी शशि ने जो कहा वो उसको लेके मैं आगे बढ़ता हूँ। उन्होंने कहा कि इस घर में पूजा पाठ किया, जब पूजा हुई इस घर की तब उनको वो निमंत्रित कर सके, रिश्तेदार वो भी मित्र ही होते हैं। हर रिश्तेदार मित्र हो सकता है, हर मित्र रिश्तेदार होना थोड़ा मुश्किल है। और कहते हैं कि जो सारे संगीत प्रेमी हैं उन सबको मैंने यहाँ बुलाया, तो उस पर से मुझे एक पुराना संस्कृत का श्लोक कुछ भूल चूक हो गई तो माफी चाहता हूँ। भगवान विष्णु को नारद पूछते हैं कि हे भगवान, लोग सभी कहते हैं आप वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन मैं तो कभी आपको वैकुंठ में देखता नहीं हूँ, आपका रहने का स्थान क्या है? तो उन्होंने कहा, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूँ ना किसी योगी के हृदय में रहता हूँ। मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ मेरे सारे भक्त संगीत और वादन करते हैं विश्वास रखिए मैं वहीं उपस्थित हूँ। तो आज इस महफिल में प्रहलाद जी है, तो भक्त प्रहलाद जब यहाँ है तो जाहिर है कि भाई विष्णु भगवान को यहाँ कहीं रहना बहुत ज़रूरी है। तो ज़ोरदार तालियों के साथ हम आज स्वागत करते हैं प्रहलाद टिपनिया जी का। टिपनिया नाम का कभी विग्रह करना हो तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। प्रहलाद टिप के 2 मतलब होते, एक तो यू गिव टिप, दूसरा टिप रहता है लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, यू गेट एवरीथिंग दैट इज बीइंग देयर, गुड थिंग्स ऑन द प्लैनेट अर्थ। सो प्रहलाद जी आप ऐसे हैं कि आप दोनों में माहिर। इनकी जब कहन शुरू होती है तो हमको ये एहसास होता है कि हम कितने अनपढ़ हैं, क्योंकि 4 किताबें पढ़ के आदमी ज्ञान तो छोड़िए जानकारी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और यहाँ एक ऐसी आज विभूति उपस्थित है कि जो कबीर गाती नहीं है वो कबीर जीते हैं। कबीर इनसे अलग है ऐसा मुझे कभी लगा नहीं। लोग कहते हैं कि सुर में चाहिए, ताल में चाहिए, लय में चाहिए, जो कि है वो,
काफी मतलब निसंदेह है उनकी, ऐसे कभी मैंने दिखाने की सुर लगा नहीं है, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है भाव। और वो भाव में जब एक रूपता आती है कि प्रहलाद जी जब कबीर शुरू करते हैं, बाकी वैसे हमारे यहाँ बैठेंगे तो वो प्रहलाद जी रहते हैं, लेकिन जब कबीर वाणी शुरू होती है तो ऐसा लगता है कि कबीर कहीं से इनमें प्रवेश करता है और हम प्रहलाद जी को नहीं कबीर को सुन रहे हैं अपनी वाणी में। बिना विलंब मैं प्रहलाद जी से कहता हूँ कि आज इस कबीर वाणी का आनंद हमें वो दे दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे इन आज जो बैठे हैं अजय भैया है सब, उनका परिचय वो खुद करा के दे देंगे, तो आइए सुनते हैं। और मैं आज शशि को बहुत आभार इसके लिए प्रकट करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पूछा, शशि प्रहलाद टिप्पणियाँ, मैंने कहा ऐसी दिल की बात छेड़ा मत करो, बहुत मतलब अच्छा तो लगता ही है, मगर लगता है कि पहले पांच क्यों हो गए, पहले ही प्रहलाद टिप्पणियाँ से शुरू करते, इतना मैं भी इनके संगीत का कायल हूँ। प्रहलाद जी नमस्ते। सबसे पहले तो मैं सभी उपस्थित जीवात्माओं को प्रणाम करता हूँ, और आप सबका दर्शन और आप सबका दीदार शशि जी की वजह से हुआ, और वो भी एक अद्भुत स्थिति में। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता नहीं था कि हम कहाँ कार्यक्रम है और नई मुंबई किधर होगी, ये भी पता नहीं था। तो हम रात को अभी सुबह उतर करके वहाँ गुलशन जी के यहाँ चले गए और वहाँ से आए, और जैसे यहाँ प्रवेश किया तो परिचय दिया आपने कि मेरा नाम शशि है, तो मैं पहले तो कन्फ्यूज़ था कि मेरे को शशि जी ने जो बात करी थी वो स्वरूप कुछ अलग लग रहा है और ये भी शशि जी हैं। तो शशि जी ने शशि जी को मिलाया और उनकी वजह से आप सबके दर्शन हुए, ये हमारी खुशकिस्मती है। गुरु माध्यम है कबीर का, और जैसा आपने बताया कि सुर चूँकि पंचम निषाद के आप सभी साधक हैं, हमें वो जो संगीत के जो सुर ताल हैं या संगीत की जो वो याद नहीं है, लोक में जो संतों की वाणियाँ जो रची बसी है वो मौखिक रूप से जो लोग गाते हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उन लोगों से जो सुना है वो भजन आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो मैं पुनः द्वे शशि जी को, वंदना बहन को और आप सबको बहुत प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें, और हम चाहते हैं कि आप जैसे सजग और आप जैसे अनुभवी महानुभावों के द्वारा इन भजनों का जो सार और यथार्थ है वो भी कहीं ना कहीं हमको आपसे मिले। हम खाली गाना जानते हैं और ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो आपके सभी गुरु तत्वों को प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम गुरु वंदना से करेंगे। और गुरु क्या है इसे किताबों में बहुत अच्छी तरीके से सब लोगों ने पढ़ा है और खूब जानते हैं कि गुरु क्या है। और गुरु वो है जो इंसान के भ्रम ना समझे को दूर करते हैं और हमारे कर्मों और भ्रमों को काट देते हैं, दूर कर देते हैं, ऐसा संतों ने शब्दों में कहा है। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी एक पद से शुरू करते हैं कि गुरु काटे भ्रम की ना समझी की जाल, या कर्म की जाल कैसे कटती है, इसके बारे में एक संतों की वाणी है ईश्वरदास जी महाराज का। जी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति और पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु की कृपा से कुछ होना नहीं है, और वो गुरु आप सबके अंतर में मौजूद है, क्योंकि गुरु और कहीं दूसरे नहीं है। कबीर एक जगह पर कहते हैं कि या घड़ भीतर तीन लोक है, या ही में है करतारा, और कहें कबीर सुनो भाई साधु, या ही में गुरु हमारा, है ना, वो गुरु तत्व आपके अंदर है। तो उसको हम प्रणाम करते हुए
गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा इररे और सेवक ने नचकोर अष्ट पहर निरखत रहूं मैं गुरु चरणम की ओर क्यों गुरु के चरणों की ओर क्यों क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं उपजे न गुरु बिन मिले न मोक्ष अरे गुरु बिन लगे कोई सत्य को तो गुरु बिन मिटे न दो इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है और कितना सात दीप नौ खंड में और गुरु से बड़ा नहीं को अरे करता तो कछु कर न सके पर गुरु करे सो पर कब होगा जब गुरु की अटपटी बात को झटपट लख लें परख लें देख लें एहसास कर लें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लें तब इसलिए कहा है कि गुरु की वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए अरे जो जन झटपट लख ले बाकी खटपट ही मिट जाए इसलिए गुरु सबके अंतर मौजूद है और उसकी विनती प्रार्थना जरूरी है इसलिए कहा है इंगला पिंगला नारी सुखम
कर्म की जाल जीव सुख पावे, गुरु काटे भरम डाई जाल जीव सुख पावे। ये घर है उसके एहसास करने का या मन को टिकाने का, और जब यहाँ पर मन टिकेगा तो जो अखंडित रूप से आप और हम सबको चलाता है या पूरी कायनात को चलाता है उसका दिग्दर्शन या उसका एहसास होगा, ऐसा कहते हैं। इसलिए कहा है, अरे एक अखंडित नाद चरा चर धावे चरा चर धावे, सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे, हाँ सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे गावे। अरे एक अखंडित नाद चरा चर धावे हो चरा चर धावे, सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे, हाँ सकल ब्रह्म के माय वेद यूं गावे गावे। चरणों के माए सदा सुख पावे, अरे गुरु सरी का देवे हमारे मन भावे सदा मन भावे, गुरु काटे कर्म की जाल जीव सुख पावे, गुरु काटे भरम की जाल जीव सुख पावे, काटे करम की जाल जीव सुख पावे, गुरु काटे भरम डाई जाल जीव सुख पावे। इस तरह से गुरु वो है जो हमारे भरम को ना समझे को दूर करता है, इसलिए हर इंसान गुरु की शरण में रहना चाहिए, और वो गुरु जो सबके अंदर मौजूद है उसकी शरण में रहना चाहिए, वो गुरु तत्व जिसकी वजह से पूरी कायनात सृजित हो रही है उसके शरण में रहना चाहिए। इसलिए कबीर कहते हैं कि गुरु शरण में रहो, परंतु आजकल गुरु की शरण की वजह से यूँ कहते हैं कि चलो ये गुरु जी तो उनके शरण में चले जाओ। ठीक है, वो जाना बुरी बात नहीं है, परंतु गुरु करो जानी ने पानी पियो छाणी मालवा में के, तो इस वजह से गुरु भी ठोक बजा करके करें। एकनाथ का वृतांत आप सबने सुना होगा, तो कबीर का एक सेन है, एक पद है कि गुरु शरण में रहना रे मन, तू गुरु शरण में तन नहीं मन, मन जिसका गुरु शरण में चला गया, और वो गुरु शरण यानी वो तत्व, वो नाम रूपी तत्व, वो शब्द रूपी तत्व, वो धुन रूपी तत्व जो सबके अंदर मौजूद है, वो गुरु तत्व है जिसकी वजह से आप और हम सब जिंदा हैं, उसकी शरण के लिए कबीर कहते हैं एक पद में, जिस तरह से ये तार, ये तमूर है ना, तमूर में पांच तार हैं, और इस पांच तार में ये जो बीच के तीन तार हैं, चूंकि आप सब स्वर के साधक हैं और संगीत के साधक हैं, ये बीच के तीन तार हैं जो एक स्वर में मिले हुए हैं। हमारे तीन गुण भी जब तक एक स्वर में नहीं मिलेंगे तब तक हम उस परम तत्व का सुमरण ध्यान पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। जब तीनों गुण एक समान हो जाएंगे तब कहीं चौथे गुण का जो एहसास होना चाहिए वो होगा, ऐसा संतों ने कहा, और इसलिए एक कबीर की साखी है, वो कहते हैं कि तीन गुणन की भक्ति में और भूल रहा संसार, और जो जन चौथे को लखे भव से उतरे पार। वो तीन गुण सबके अंदर हैं, जिसको सिंबॉलिक रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया आप जानते हैं, या रस सत और तम कहा गया, हमारे अंतर में उसकी स्थिति कहाँ पर है, इस पिंड में सबके अंदर उन तीनों गुणों की हदें कहाँ तक है,
और जब तक इन तीनों गुणों के हदों में रहेंगे तब तक कुछ न कुछ अच्छा भी हो सकता है और कुछ न कुछ बुरा भी हो सकता है, और वो सबसे हो सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे सदगुरु बन करके बैठे, उनमें भी। इसलिए गुरु की शरण जरूरी है। तो वो गुरु तत्व जो सबके अंदर है उसकी शरण कैसी है, कबीर इस पद में कहते हैं, ए जी गुरु नाम है गम्य का पहुंच का, गुरु नाम है गम्य का और शिष्य सीख ले सो, अर बिन पद बिन मर जात नर और गुरु शिष्य नहीं को। तो गु अंधियारी जानिए रे, गु अंधियारी जानिए न रू कहिए प्रकाश, अरे मिटे अज्ञाने ज्ञान से और गुरु नाम है दास। उससे जुड़ने की बात करते हैं, उसकी शरण में रहने की बात करते हैं। इसलिए कहा है शरण मेरे नारे मन तू गुरु शरण मेरे नारे, ओहो गुरु शरण मेरे नारे मन तू गुरु शरण मेरे नारे पूरा गुरु मिलिया, उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, अरे पीठ जगत से देना रे मन तू गुरु शरण मेरे नाम। इसके लिए कहां जाए, कबीर कहते हैं, अरे पांच तत्व की बनी थारी काया महीनी गे कर लेना, हे जी पांच तत्व की बनी थारी काया महीनी गे कर लेना, यहां निगे क्यों करें, क्योंकि इसी पंच तत्व के शरीर में वो छठा तत्व जिसको हम परमात्मा ईश्वर सदगुरु अल्लाह वाहेगुरु जो भी अनेक लफ्जों से पुकारते हैं, वो छठा तत्व है सब में, जो सबका सृजनहार है, जो सबको सृजित करता है पूरी कायनात को, उसका एहसास इधर होगा, इस पंचभौतिक शरीर में होगा, इस वजह से वो कहते हैं, अरे पांच तत्व की बनी थारी काया वहीं निगे कर लेना, अरे अरे पांच से कोई छठो बतावे, पांच से कोई छठो बतावे, अरे बातों गुरु कर लेना रे मन तू शरण मेरे नाम, अरे उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, उतरो का पार पूरा गुरु मिलिया, यदि पीर जगत से देना रे मन तू गुरु शरण मेरे नरे 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 छठा तत्व जिसकी वजह से आप हम सब जिंदा हैं, वो बाहर नहीं है, और उसको लखाने का काम ऐसे भेदिया पुरुष करते हैं आप जैसे,
इसलिए उस भेद और मर्म को हम जान करके खुद में एहसास करें, बस काम हो गया। पर आजकल दुकानदारी बहुत लगी है, वो छठे तत्व का नंबर बताने वाले, वो छठे तत्व को दिखाने वाले बहुत हैं। सबकी जाए, सबसे हिलिए, सबसे मिलिए, सबका लीजिए भाव, और हाजी हाजी सबके कीजिए, पर तू लीजिए अपनी ठाव, ऐसा कहते हैं। इसलिए कबीर कहते कि तू देख कहीं ऐसा तो नहीं है, इसलिए कहा है अरे खड़ा गुरु विश्वास बनावे है उनकी मत सुन लेना, घना गुरु हो विश्वास बनावे उनके मत सुन लेना। अरे वो ठगियों में ठगियार रहता, वो ठगियों में ठगियार रहता, अरे पार ब्रह्म मेरे नारे मन तू गुरु शरण मेरे ब्रह्म ये आप में है नहीं, तत्व और परम तत्व सब आप में है, परंतु जब तक हदों में रहेंगे तो तत्वों का बोध हो सकता है, और वही यदि उस उत्तम स्थिति में आ जाता तो परम परमात्मा भी है। आत्मा जब परम या श्रेष्ठ बन जाती तो परमात्मा बन गई, इसलिए वो कहते कि तू देख ले। और ऐसे कोई भेदिया गुरु मिले नहीं, उसको तो हम सब दे दें तो भी कम है, गर्दन काट करके रख दें तो भी कम है। तो कबीर की परंपरा में नारियल भेंट करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, नारियल ले जाते हैं, अच्छी बात है। और नारियल किसी का शीश है ये आप सबको ज़्यादा याद है, हमने भी कथाओं में सुना है कि नारियल किसी का शीश है। हम जब शीश दान कर देते हैं तो इसका मतलब क्या, मैं ये मानता हूँ कि जितना भी उल्टा सीधा काम होता खाली इतने से होता है, क्योंकि पंच विषय में फंसने का काम खाली यहाँ तक है, नीचे कुछ है ही नहीं। हम रूप में फंसते हैं इधर से, नहीं गंध में फंसते हैं यहाँ से, शब्द में फंसते हैं इधर से, रस में फंसते हैं यहाँ से, और स्पर्श में फंसते हैं, फंस गए। इसलिए भगवान को नारियल भेंट करने का मतलब है कि आज से हम ये संकल्प करते हैं कि आज से इन विषयों में नहीं फंसेंगे, ये है गुरु के प्रति नारियल भेंट करना। रोज मंदिर में जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नारियल चढ़ा देते हैं ये भी बहुत अच्छी बात है, वहां से आने के बाद में फिर वापस उल्टे सीधे काम, तो बताओ क्या होगा, नहीं गुरु को भी यही करते हैं। इसलिए वो कबीर कहते हैं इसमें अरे तन मन धन अर्पण सतगुरु को गुरु वचन सुन लेना, मन धन अर्पण सतगुरु को गुरु वचन सुन लेना। अरे जो गुरु जी थारो मस्तक मांगे, जो गुरु जी थारो मस्तक मांगे, अरे शीश काट धर देना रे मन तू गुरु शरण मेरे ना। Thank you.
नरियल से नरियल भेंट करता है भगवान को, ईश्वर को, गुरु को, वो मोती चूकता है। इसलिए आखिरी में सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे मोती चूगना रेना संबंध में लहर दरियाओं की लेना, हाँ जी मोती चूगना रेना संबंध में लहर दरियाओं की लेना। अरे कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे जीवन मुक्त होई रेना रे मन तू गुरु शरण में रेना। अरे उतरो कपार पूरा गुरु मिलिया, उतरो कपार पूरा गुरु मिलिया, अरे पीठ जगत से देना रे मन तू गुरु शरण। कबीर कहते हैं कि मोती चुगना रहना समंद में, हृदय रूपी समुद्र में। अब आप तो समुद्र के पास ही रहते हो ना, आसपास समुद्री समुद्र है, तो आप तो समुद्र के अंदर गोता लगा करके मोती चुनने वाले लोग हैं। मैं मर्जी वा समुद्र का ने डुबकी मारी एक, और मुट्ठी लाया ज्ञान की नेता में वस्तु अनेक। तो उस समुद्र में गोता लगने से तो हीरे मोती लाल ला सकते हैं, परंतु हृदय रूपी समुद्र में गोता लगाने से हम क्या चुनेंगे? हमारी दृष्टि, हमारा सोच किस तरह का है? एक सकारात्मक रूपी सोच है जिसमें प्रेम है, दया है, करुणा है, नहीं सरलता है, आत्मीयता है, जैसी आप सब में है वो। इस वजह से सदगुरु कबीर यहाँ पर इस तरह की बात करते हैं। और वो ही नहीं, जितना भी सुख है, जितना भी एकात्मिक शांति है, जितना भी प्रत्यक्षानुभूति है, वो जब तक इंसान खुद की ओर नहीं पलटे तब तक नहीं है, ऐसा संतों का कहना है। और एक संतों का नहीं, सभी संतों का। गुरु नानक साहब एक पद में कहते हैं कि यार तू क्यों भटक रहा है, सच्चा सुख तो तेरे अंतर में है, और हम उस सुख को या हम उसको पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो वो सहेली के रूप में, हेली के रूप में कहते हैं कि तू हेली इधर उधर क्यों भटक रही है, सच्चा सुख तो तेरे अंदर है, तू इसका विवेक और इसका एहसास कर। और एहसास कहाँ करें ताकि हमें आत्मिक शांति मिले, या एहसास हो, और एहसास होगा तो कैसा होगा? उस परमात्मा को, ईश्वर को, अल्लाह को, वाहेगुरु को यदि एहसास करना हो तो कैसा वो हमें कैसा मिलेगा? तो वो ऐसा मिलेगा जहाँ जिसकी जैसी आशा वैसा मिलेगा, जहाँ जैसी आशा वहाँ उसका वासा। मैंने एक बार आपका देख लिया, जैसे आज हमने अभी तक शशि जी का नाम जैसे जाया तो हमारे मन में उनका था, पर आज शशि जी का आएगा तो हमारे सामने दो स्वरूप दिखेंगे, आपका भी दिखेगा। तो मैंने आपको देख लिया, तो जब मैं शशि जी को याद करूँगा मेरे पास में होंगे। आप चाहे बम्बई में रहो, चाहे और विदेश में चले जाओ, या हम कहीं पर भी रहें, पर जब हम शशि जी को याद करेंगे तो हमारे पास होंगे। ये कब? जब हमने एक बार किसी को देखा तब। तो इस बार हमने कई मूर्तियाँ देखी जो आपके हृदय में बस गई है। जब राम को याद करोगे तो राम देखेंगे, हनुमान को याद करोगे तो हनुमान दिखेंगे, माता को याद करोगे तो माता दिखेंगे, और किसी को याद करोगे तो वो दिखेंगे। जबकि वास्तविक रूप से ये हमारी श्रद्धा का विषय है, परंतु जो हमको चलाता है, पूरी कायनात को जो सृजित करता है, वो कैसा होगा वो तो निराकार है, आप सब जानते हैं, उसका कोई आकार नहीं है, नहीं। और निराकार को हम आकार में बांधते हैं, ये हमारी श्रद्धा का विषय है, परंतु आकार में बांधने के बाद में हम उसको आरोपित और प्रत्यारोपित करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ झगड़ा हो सकता है। बहन ने ऐसा पहन रखा है, मेरे को क्या ऐतराज, इनने हरा पहन रखा कि लाल पहना, पर मैं कहूँगा कि नहीं आपको ऐसा पहनना पड़ेगा, क्यों? जबकि ये जितने भी कपड़े बने हैं, बनावट अलग अलग हो सकती है, रंग अलग हो सकता है, परंतु यदि उनको सबको एक घुमा करके करें तो एक ही, आप सब जानते हैं स्पेक्ट्रम के बारे में, सूर्य की किरणों में सात रंग है, परंतु उन सात रंगों को अलग अलग पट्टियों पे बना करके यदि हम उसको घुमाते तो खाली एक रंग नज़र आता है, और वो एक रंग है नूर का।
एक रंग है वो सुप्रीम पावर का। और इसलिए कबीर कहते हैं कि जो वह एक न जानिया, जो वह एक न जानिया बहु जाने क्या होए, एक ऐसे सब होत से सबसे एक न होए। हमारे अंदर एक ऐसी परम तत्व चेतना है जिसकी वजह से पंचभौतिक पिंड काम करता है सबका, और वो यदि थोड़ी सी भी अलग हो गई, इस जीवन की विभवता सबके यहीं धरी रह जाएगी, सब जानते हैं। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं, हेली मारी बाहर भटके काई, तारे सब सुख है घट माई, अरे सब सुख है घट माई, तारे सब सुख है घट माई, हाँ हाँ सब सुख है घट माई, तारे सब सुख है घट माई, मारी बाहर भटको काई, तारे सब सुख है घट माई, क्या करें उसके लिए। हेली भारी घट में ज्ञान विचारो, कौन है बोलन हारो, हेली भारी घट में ज्ञान विचारो, थारो कौन है बोलन हारो, अरे यागी करो रे होल खाई, थारो जन्म मरण मिट जाई, हाँ के अंदर जो बोलता पुरुष है उसकी खोज करने की बात यहाँ पर गुरु नानक साहब करते हैं कि तू इसकी ओळखान कर, इसकी पहचान कर तेरे अंतर में, और पहचान करे तो कहां पर करें, कैसे करें, इसके लिए वो यूं कहते हैं, हेली मारी इंगला पिंगला नारी आमे सुखमन से जसमारी, हेली मारी इंगला पिंगला नारी आमे सुखमन से जसमारी, पुरुष कौन नारी, हाँ हाँ मिली पिया संग प्यारी, हमें कौन पुरुष कौन नारी, हेली भारी बाहर भटको काई, तारे सब सुख है घट माई, हेली भारी बाहर भटको काई, तारे सब सुख है घट माई, सब जानते हैं जो नाक के दोनों स्वर है बायां और दाहिना, इसी को संतों ने चंदा और सूरज कहा, इसी को संतों ने गंगा और यमुना कहा, इसी को इंगला और पिंगला कहा, और इसी को स्त्री और पुरुष भी कहा, स्त्री पक्ष और पुरुष पक्ष, यहां दो दिख रहे हैं इसलिए कहा, शरीर के रूप में दो दिख रहे हैं तो हम कहें बहन बैठी और साहब बैठे, परंतु ये दोनों दो दिख रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, और थोड़ा सा दोनों आगे जाकर के इधर देखो क्या दो है, वहां वहां नहीं है दो, यहां तो एक ही है, इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, और आप सब जानते हैं, बताओ वहां पर कौन पुरुष और कौन स्त्री है, कौन इंगला और कौन पिंगला है, और वो जो एक जिसकी वजह से दो चीजें बनती है उसका एहसास हमने कभी किया, जब तक उसका एहसास नहीं हो तब तक खाली खलक मिला, खाली हुआ ने बहुत किया बकवाद, और बांध हिलावे पालना ने तामे कौन सुवाद, एक नि संतान स्त्री जिंदगी भर तक खाली झूले को यदि इस तरह से हिलाते रहे तो बच्चे के सुख उसको नहीं जान पाएगी, आप सब जानते हैं, इसलिए इसका एहसास करने की जरूरत है। और संतों ने जितनी बात करी ना वो खाली गाने की नहीं है, या वो खाली सुनने की नहीं है, या वो खाली लोगों को रिझाने की नहीं है,
वो आप और हम सबके जीवन का एक प्रत्यक्ष अनुभव है जो हर कर सकता है, जिसमें किसी मजहब की जरूरत नहीं है, जिसमें किसी धर्म की जरूरत नहीं है, जिसमें किसी पंथ या संप्रदाय की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि तू इसकी एहसास कर, और जब इसका एहसास करेंगे तो क्या हुआ आगे, वो यूं कहते हैं। बिमारी बाजे बीन सितारा संकुरली का झनकारा, खेली मारी बाजे बीन सितारा संकुरली का झनकारा। अरे सोहम चमके तारा मां बिना जोत उजियारा, हाँ हाँ सोहम चमके तारा मां बिना जोत उजियारा। खेली मारी बाहर भटको सबको, और इसी को संतों ने शिवोहम कहा, किसी ने इसको सोहम कहा, किसी ने इसको और अन्य लफ्जों से पुकारा, शिव कहा, ओंकार कहा, सतनाम कहा, अल्लाहु अकबर कहा, जो कहना हो कह दो, परंतु वो एहसास है। और इसीलिए आखिरी में गुरु नानक साहब ने इस तरह से कहा है, खेली मारी साहब कबीर मिला पूरा जिन्ने वचन दिया भर पूरा, खेली मारी साहब कबीर मिला पूरा जिन्ने वचन दिया भर पूरा। अरे नानक चरणों की धूला मां हरदम हाल हजूरा, ओ बात करते हैं तो हर संतों का रमज, हर संतों का एहसास, किसी भी संतों की वाणी को उठा करके देखें तो वो अंतिम में यही कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि इस बोलते को याद कर, वो यहां पर भी बोलने जो सबको हम बोलते हैं तो कौन बोल रहा है आखिर की, इसकी एहसास, इसका पहचान, इसकी ओलखान कैसे करें। तो एक रेखता में कबीर साहब कहते हैं कि इस बोलते को याद कर ले जिसका इलाही नूर है, जिसने पिंड और प्राण को रचिया सोई तो यहाँ हाल हजूर है, गज राजा तो द्वारे झूलता वही राजा जहूर है, और उस मुर्शिद के शब्द तू चेता नहीं तो गाफिल क्रूर है, और कहें कबीर घट चेत ले तेरे में तेरा नूर है, और नूर पर जहूर दर्शे तो साहेब ही भरपूर है। वो साहेब, वो सदगुरु, वो परमात्मा अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु सबके अंदर भरपूर रूप से मौजूद है, हर पिंड के अंदर मौजूद है, पर हे इधर और हम खोज रहे हैं उधर, हे हाजिर कोई दूर बतावे दूर की बात निराशी, और कहें कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन भरम न जासी, इस शरीर रूपी गुरु के बिना ये ना समझी दूर होना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि शरीर के मार्फत ही हम उसका एहसास अपने अंतर में कर पाएंगे, यदि शरीर ही नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे। यदि आप सबका शरीर नहीं होता तो आज हम किससे बात करते हैं, आपका दीदार कैसे होता, यदि हमारा नहीं होता तो आप और हम इस तरह से एक दूसरे के बीच में हम अपनी अभिव्यक्ति जो भी एहसास की वो कैसे कर पाते। इसलिए पिंड होना जरूरी है, इस पिंड के मार्फत ही वो सदगुरु वो परमात्मा का एहसास किया जा सकता है। और ये बात केवल इसमें नहीं कही, सब ने कहा, ठीक है पूजा पाठ तीर्थ व्रत जप तप ये सब प्रारंभिक अवस्थाएँ हैं इंसान के मन के कंसंट्रेशन के लिए, इट इज फर्स्ट स्टेज इन अवर लाइफ।
हम शुरू शुरू में करना पड़ेगा, कुछ तो करो, पूजा करें, पाठ करें, तीर्थ करें, व्रत करें, पर अंतिम स्थिति में इन लोगों ने भी करने के बाद में कहा कि यार इसमें कुछ नहीं था। देखिए एक नाथ संप्रदाय के संत हुए हैं, वो कहते कि हमने ये सब कर लिया, परंतु हमें क्या एहसास हुआ जब मालूम पड़ा कि ये जितना भी कुछ किया वो सब निरर्थक चला गया, और वो तो हमारे पास में था और हम ये करते करते पूरी समय चला गया। भजन उनका इस तरह से है, ये जी आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, आसमान का आसरा छोड़ प्यारे, ने उलट के घट देख अपना जी, तू आप में आप तहकीत कर ले तो मिट जाए मन की कल्पना जी, हर बिन देखे निज नाम जपो रे, बिन देखे निज नाम जपो ने सो तो रेण का सपना जी, अरे कबीर दीदार प्रकट हुआ तो फिर जाप कौन का जपना जी, जब वो प्रकट हो गया तो फिर किसकी जाप जपना, अरे जब हम आप मिल गए तो अब मैं किसका नाम लूं, मैं किसको याद करूं। तो इसलिए उसका एहसास करने के लिए यहां पर बनाना जी महाराज जो नाथ संप्रदाय के संत हुए हैं वो ये बात कहते हैं, सतलोक में या जन्नत में, और जो ये कह रहे ना वो है देखा ही नहीं उनने, दुर्भाग्य कहिएगा। बताइए आज तक किसी ने वैकुंठ देखा हो? अपन इतना किस बात कर लो, अपन जितना यहां बैठा है में से कोई नहीं देखे हो वैकुंठ? मैंने तो नहीं देखे। हमने ना सतलोक देखा, ना वैकुंठ देखा, ना स्वर्ग देखा, ना नहीं, पर मैंने यहां देखा, जैसे यहां पर कोई किसी तरह की बात नहीं है, एक सत्य की बात जो संतों ने करी, यही तो सतलोक है। अब वैकुंठ पता नहीं कहां,
तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये कह दिया जब ये करो तो वहां जाओगे, इसलिए लोग करने लग गए। ठीक है दादा करो, पर करने के बाद में इधर ही आना पड़ेगा, मैंने खुद क्यों मुड़ना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं बहेलो है कोई कहे शिव नगरी में साहब, जुग जुग हाट बहेलो है करना रे हो सो कलेर साधो, दारो मनक जन्म दुहेलो है लक चवरासी में भटकत भटकत, अरे हम के मिलो बहेलो है करना रे हो सो कलेर साधो। पता नहीं वो भूलोक भुवर लोक गो लोक मह लोक सतलोक 14 लोग बता दिए हैं संतों ने, बहुत सारे ने जब एहसास किया इस पिंड के अंदर ये सब है, इसके बाहर नहीं है, ऐसा भी अनेक संतों ने कहा। इसलिए यदि यहाँ पर हम इसकी खोज करें तो शायद के कुछ न कुछ समझ में आ जाए, परंतु इससे छोड़ करके अलग कहीं है कि नहीं ये तो पता नहीं। आप तो खूब हवाई जहाज में उड़िया, ऊपर कभी नजर गए हो तो एक बात नहीं। तो इसलिए वो अंतिम में कहते हैं कि इस तरह की बात करने वाले समझिए कि धोखा है, इस तरह की बात करने वाले अनसमझ है, यूं बात कहा संतों ने कहा। इसलिए बनाना जी महाराज कहते हैं गेलो है सतगुरु से अमूलक दीनी, हर हर दम हर को गेलो है करना रे हो सो कलेर साधो, हर मनक जन्म दुहेलो है लक चवरासी में भटकत भटकत, अरे अब दे मिलो महेलो है करना रे हो सो कलेर साधो। कहते हैं कि यदि उस परमात्मा को ईश्वर को अल्लाह को वाहिगुरु को यदि कोई बाहर बता रहा तो समझिएगा कि वो अनसमझ है, वो तो सबके गेले है, सबके साथ है, प्रतिपल हर इंसान के साथ में है, ऐसा कहा। और इसीलिए आखिर में कहते हैं अरे जिया राम गुरु पूरा मन मिल गया मिल गया रे मिल गया, हे अजबा जाप जपे लो हे जिया राम गुरु पूरा मन मिल गया, अरे अजबा जाप जपे लो हे के बाना नाथ सुनो भाई साधो, मारा सतगुरा जी को हे लो हे के बाना नाथ सुनो भाई साधो, बनाना जी महाराज भी इस तरह की बात करते हैं कि वो परमात्मा प्रतिपल हर इंसान के साथ में है, उसके बाहर नहीं है, हर इंसान के गेले में है, परंतु हमने उसकी खोज अपने अंतर में कभी करी कि नहीं करी, और जिन्होंने अंतर में करी नहीं वो सरल बन गया।
वो सहज बन गया। और जब तक इंसान के अंदर सरलता, सहजता, निर्मलता, कोमलता नहीं आए, तब तक समझिएगा कि उसका जो ईगो खत्म नहीं हुआ। आपो मिट्यो आपदा छूटी, हरदम हेत लगावे है। तो जब तक इंसान का आपा नहीं मिटे, तब तक कैसे काम चलेगा। और सब जानते हैं कि हम इतना सब कुछ कर लें, उसके बाद में यदि थोड़ी सी श्वास अंदर गई नहीं, बाहर नहीं आई, तो सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा। और बाहर चली गई नहीं, भीतर नहीं आई, तो क्या होगा, ये भी सब जानते हैं। फिर भी किए जा रहे हैं कुछ न कुछ, नहीं? जबकि जो दृष्टि में आती है, सब जानते हैं कि वो फना होना है। शरीर हमारा दृष्टि में है तो ये फना होगा, परंतु शरीर को चलाने वाला कभी फना नहीं होगा, उसका कभी नाश नहीं होगा, कभी भी। इस पिंड में है, इस पिंड में है, जब तक भी है, ये पिंड नहीं था तब भी था, और ये खत्म हो जाएगा तब भी रहेगा, वो ऐसा ही रहेगा। ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए पहले हम इस एहसास को करने के लिए पहले सरल बन जाए, हल्के बन जाए। और इसीलिए संतों ने एक जगह पर कहा है कि जो तुम आओ हल्का होकर, तजो मान का भारा, और ऐसी रहनी रहो में रवधु, भव से उतरूगा पारा। तो इस मान गुमान और अभिमान को छोड़ करके हम अपने आप को देखें। और इसीलिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि अपने आप निवेड़ चलो, दुनिया बिगड़े से क्या मतलब, और ब्रह्म एक पहचान लिया, दुविधा रखने से क्या मतलब, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़ों से क्या मतलब। इसलिए एक पद है, ये जी पानी के रा बुदबुदा और असमानस की जात, हर देखत ही छिप जाएगा, और जो तारा प्रभा। पर आप जैसे लोगों ने जो अच्छे काम किए, तो पिंड नहीं रहने के बाद भी आप हमेशा अमर रहेंगे। देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आज अपन बैठ करके याद कर रहे हैं, और उनके घर तो कुछ था ही नहीं, नहीं, जो इतने हजार साल हो गए होंगे, इतने, ठीक है बुद्ध को 2500 साल हो गए, क्योंकि वो तो राजा थे, महाराजा थे उस रूप में, परंतु कबीर को देख लो, गुरु नानक को देख लो, बुल्ले शाह को देख लो, रवि को देख लो, दादू पलटू गरीब, जिनके घर पर शायद झोपड़ी भी ठीक से नहीं होगी, जिनको लोक में आज भी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। तो इसलिए कम से कम उन्होंने ऐसा काम किया, पूरी कायनात के लिए किया, उन्होंने केवल किसी वर्ग, किसी जाति या धर्म के लिए काम नहीं किया। इसीलिए एक जगह पर वो कहते हैं कि झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, उनका साईं, उनका सदगुरु, उनका अल्लाह वाहिगुरु कण कण में मौजूद था, ऐसा वो कहते हैं। इस प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम सब में, वृक्षों की कायनात या आप और हम सब की, झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, और जहां देखूं वो रीता ना ही, सब घट रहा समाई, मेरी आंखियों में लालन छाई, उनकी आंखों में ऐसी लाली छाई थी। और इतने सरल थे, इतना ज्यादा जानकार होने के बाद भी अपने आप को दास कह रहे हैं, वो चाकर कह रहे हैं, नौकर कह रहे हैं। तो इसलिए कहा है, यदि आया है सब जाएगा, और राजा रंक फकीर, हर कोई सिंहासन चढ़ चले, और कोई बंधे जाए।
राजा महाराजा अरब खरब पति सब चले गए, परंतु जनमानस के मुंह के ऊपर उनका नाम नहीं है, इन लोगों का नाम जरूर है। किसी का है ऐसा सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों में नाम जिन घर झूलता हाथी। सख्त था महाराज जिनका, मुल्कों में नाम जिन घर बंध का हाथी। जिन घर बंधता हाथी, मन घर दिया ना बाती। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से खाती। और ये स्थिति कब तक रहेगी है? ये भी सब आप जानते हैं। जब तक शरीर के अंदर वो चेतन सत्ता है, शरीर काम करेगा और निकल गया तो सब काम यहीं कहीं धरा रह जाएगा। इसलिए जब तक दीपक में तेल है, दिया जलता रहेगा, तेल खत्म बुझ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। इसलिए कहा है भरिया दीवड़ा में तेल झासे रचो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। भरिया सिंदड़ा में तेल झासे रचो है सब खेल, जल रही दिया की बाती। जल रही दिया की बाती जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाएगा झपका, हवा का लग जाए काया दूर हो जाए। हाँ जी, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया गार से खाती। फूट गया दीवड़ा को तेल, बिखर गया सब नज खेल, बुझ गई दिया से गया सिंदड़ा रो तेल भी कर गया सब नज खेल, बुझ गई दिया की बाती। बुझ गई दिया की बाती जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाएगा झपका, हवा का लग जाए काया दूर हो जाए। हाँ, मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया लाल में का लाल तेरा कौन क्या हमाल, जिनको जन्म ले जासी। हाँ हाँ, लाल में का लाल तेरा कौन क्या हमाल, जिनको जन्म ले जासी। जिनको जन्म ले जासी जैसे ओसरा मोती, रे झोंका पवन का लग जाएगा झपका, हवा का लग जाए पायन। बाप झूठा सकल परिवार झूठी कूटता छाती, झूठी कूटता छाती जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाएगा झपका, हवा का लग जाए काया दूर हो जाती। हो जा भवानी हो नाथ, कुछ सिर
होना है सबके, तो इसलिए जब तक ये पिंड है तब तक हम थोड़ा कुछ कर लें, धीरे धीरे कर लें, क्योंकि राह बहुत सांकड़ी है, रास्ता बहुत सकड़ा है और रास्ते में रुकावटें बहुत है, और किस तरह की रुकावटें हैं ये सब आप जानते हैं। इस वजह से एक भजन में कबीर कहते हैं कि तू थोड़ा धीरे धीरे चढ़, तो चढ़ यार, पहाड़ भी बहुत सारे हैं तो धीरे धीरे चढ़ जाओ, दौड़ करके तो नहीं चढ़ पाएंगे। तो राह बहुत संकरी है, इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हम इधर उधर गिर पड़ें, क्योंकि जगह जगह पर रुकावटें बहुत सारी है। इधर अंतर की यात्रा में भी रुकावटें हैं और बाहर की यात्रा में भी रुकावटें हैं, ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कबीर साहब का एक पद है, जी चलते चलते पग थका, चलते चलते पग थकान नगर रहानों को, बीच में डेरा डाल दिया तो फिर कहो कौन का दो। कई जगह तो ये भी मालूम है कि हमें कहां जाना यही पता नहीं है, किस गांव पर जाना है, किस जगह पर जाना है, या मुकाम कहां होना चाहिए, तो फिर कहां जाएंगे। ए जी नाम न जाने गांव का, न बिन जाने कहां जाए, अरे चलते चलते जुग गया और पांव कोस पड़ गया। चलते चलते जिंदगी हो गई और वो जाना था वो बिल्कुल उसके पास में था, इसलिए कहा है कबीर कहते कि धीरे से चढ़ना मेरे भाई रे हंसा, संभल के चढ़ना गिर मत जाना, क्योंकि राह बहुत सकरी है। इसलिए पद इस तरह का है, लाख कोस और सोलह योजन चढ़ने की गमनाई, या लाख कोस और सोलह योजन चढ़ने की गमनाई। पावन डी के पपील कारे, पावन डी के पपील कारे, कठिन है चढ़ना मुश्किल भाई, या राह सांकड़ा पंत कठिन है चढ़ना मुश्किल भाई, पवन के झूलता चढ़ा ले, पवन के झूलता
सनों के बीच में उलझ जाए कहीं। अरे आस पास तेरी सुरा सुहागण राग छती गाई। ये भी उलझाने का तरिया है, ये गाना बजाना भी उलझाना है एक तरह से। अरे आस पास तेरे सुरा सुहागण राग छती गाई। सदगुरु मिल गया दीना भेद बताई। आ रामानंद मोय सदगुरु मिल गया दीना भेद बताई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हा भव सागर के माई के चढ़ना मेरे भाई। धीरे धीरे चढ़ना मेरे भाई रे हंसा, ओहो संभल के चढ़ना मेरे भाई, आखिर मत जाना मेरे भाई, ओ संभल के चढ़ना मेरे भाई। इस तरह से संभल के चढ़ने की बात करी। इस जीवन में संभल करके ही चलना है और कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। तो इस वजह से और जितने भी संत हुए हैं सभी संतों ने खोज करने के बाद में उन्होंने यही कहा कि वो परमात्मा वो सदगुरु एक है और वो सदगुरु परमात्मा ईश्वर निराकार है। ये भी सब जानते हैं कि वो निराकार है। और इसीलिए जीवादास जी का नाम आप सबने सुना होगा। जीवादास जी एक संत हुए, उन्होंने भी यही बात कही कि उसकी रोशनी उसकी रहनुमाई पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में समान रूप से व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि ठीक है हम जिसको भी गुरु मानते हैं उनमें ज़्यादा होगा और आप में कम है, ऐसा नहीं है। सवाल केवल यह है कि उसका बोध और भेद नहीं होने से हम अज्ञानता में पड़े हैं, हम देख नहीं पाए, बस केवल यह है। हो सकता है उसके ऊपर किसी न किसी तरह का आवरण पड़ा हो। इन लाइट के ऊपर यदि अभी एक कपड़ा डालें दो कपड़ा डालें तो धीरे धीरे उजाला कम हो जाएगा ना, अंधेरा हो जाएगा। तो इधर भी हमने आवरण चढ़ा रखे होंगे, इस वजह से शायद वो रोशनी और रहनुमाई का पता नहीं चला, बस केवल इतना सा फर्क है। और गुरु और शिष्य जब मिल जाते ना तो फिर दो नहीं रहते साहेब। और गुरु शिष्य मिलने के बाद में भी हम साचे कि ये गुरु ने ये शिष्य या ये शिष्य और मैं गुरु, तो समझ लो कि खोट है वहाँ, दो नहीं होते, फिर दोनों एक ही हो जाते हैं। पर फिर भी हम तो बड़े ऊंचे आसन पर बैठेंगे ना, अच्छा वो शिष्य तो नीचे बैठो ना, ये चल रहा है। दुर्भाग्य कहिएगा कि एक जगह पर कहा है कि गुरु पूजावे संत को और संत कहें गुरु पूज, और आमन सामन पूजते ने भई अगम की सूझ। अगम की सूझ जब हो जाती नहीं तो गुरु भी शिष्य बन जाता है और शिष्य भी गुरु ही हो जाता है, फिर दोनों में कोई भेद ही नहीं रहता। पर हम जिंदगी भर तक भेद बनाए रखते हैं, ये देखा गया। इस वजह से उसके करतार की कला का पार जिसने पाया ना, उसने कहा कि वो एक है, वो पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में है और वो निराकार है। वेद शास्त्रों में भी सब की बात कही पर फिर भी उसके आधार पर भी लोगों के बीच में दूरियां पैदा हो गई। दुर्भाग्य कहिएगा हमारी समझ का या ना समझ का। इसलिए देखिए जीवादास जी महाराज एक भजन में कहते हैं, कबीर गुदड़ी बिखरी और सौदा गया बिका,
अरे खोटा बांधा गांठरी और खरा लिया नहीं जा। खोटे की गठरी बांध बांध करके घूम रहे ने पता ही नहीं। और खरी की बात आप यदि खरी बात कहोगे तो हम उठ करके चल देंगे या आपसे नाराज हो जाएंगे, ये तो हालत चल रही है नहीं। इसलिए कहा है ऐज गगन मंडल के बीच में जा झलके है नूर, अरे नुगरा महल ना पाविया और पहुंचेगा कोई सूर। सूरा तो थोड़ा घना जो सत्कारों पे पग, अरे घना मिला कहीं काम का ये सावणिया सब। इसलिए उस निराकार का एहसास जिन संतों ने जिन ऋषि मुनियों ने एहसास किया उन्होंने कहा कि बस वो एक है दो नहीं हो सकता। और उसकी रोशनी उसकी रहनुमाई उसकी लाली पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में समान रूप से व्याप्त है। इसलिए कहा है
जीवादास जी महाराज कहते हैं, हर पत्ते पते पर रोशन तेरी बिजली से चमक दिखाता है, जगत भया मन बुद्धि तेरी जीवादास गुण गाता है। पते पते पर रोशन तेरी बिजली से चमक दिखाता है, थकित भया मन बुद्धि तेरी जीवादास गुण गाता है। धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं कोई पाता है, धन्य तेरी करतार कला का पार नहीं पार नहीं कोई पाता है, हाँ पार नहीं कोई पाता है। इस तरह से जीवादास जी महाराज कहते हैं, और वो यही कहते हैं कि जितने ऋषि मुनि हैं, जितने संत हैं, उन सब ने एहसास किया, तो एहसास करने के बाद में उन्होंने कहा कि उसकी रोशनी, उसकी रहनुमाई पत्ते पत्ते जरे जरे में समाई हुई है और वो एक है। हमारे बीच में कुछ ठंडी प्रवाह होने वाली है शशि जी के मुंह से, तो गुरु महिमा इतना सुनने के बाद मेरे क्या औकात कि मैं इनके सामने कुछ बात करूं। ये आपका बड़ा मध्यांतर लेने से पहले सिर्फ आज उन्होंने अभिमान अहंकार की दो बातें की, तो मुझे पिताजी की एक बंदिश याद आई। उनके यहाँ एक शिष्य सीखने आता था और थोड़ा नामचीन था, यहाँ वहाँ प्रोग्राम करके थोड़ा, तो उन्होंने उनसे कहा कि आज मैं यहाँ गया था, यहाँ प्रोग्राम किया, फिर मैं यहाँ प्रोग्राम किया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने बहुत सराहा। बहुत सुनने के बाद जैसे गुरु क्या करता है, तो उन्होंने उनको एक बंदिश सिखाने को ले ली और उस रचना में उन्होंने यही कहा, तजरे अभिमान जान गुनिय नसो, तजरे अभिमान जान गुनिय नसो, गुण की सेवा न मान अपमान, कौन जाने कब मिटे जाए सास तन की छिन नहीं भरोसा। क्या बात, कौन जाने कब मिटे जाए सास तन की छिन नहीं भरोसा, तन से गुण को देत जगमान, तजरे अभिमान जान गुनी। क्या बात, ये बंदिश थी। तो कहने की बात ये, इतनी अच्छी अच्छी बातें आज सुनने मिली है हमको और आगे सुनने मिलेंगी। मध्यांतर करना ये होता है, आवश्यक इसलिए होता है कि प्राकृतिक जरूरतें रहती है और उसके लिए विधिवत रूप से हमको थोड़ा सा मध्यांतर लेना आवश्यक होता है। ये जो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है, एक जो ऊपर कहा कि जो गूंगे की सेण को, जो गूंगे की सेण को न गूंगा हो सो जान, और त्यों ज्ञानी के सो कौन ज्ञानी हो सो मान, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम एक 15 मिनट का मध्यांतर लेंगे और फिर ये आज एक अद्भुत वाणी सुनने के लिए फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद। वाह,
दूसरा वाला ये के जी और ये जे टी एस का, दोनों एक एक बार बजाया है, चेक कर रहे हैं अभी, तो ये कार्यक्रम में तो ये बज रहा था पर ये अभी चेक करने के लिए लगाया दोनों। इसको ऐसे नीचे भी जिस तरह से ऊपर लगा ना ऐसे ही नीचे लग जाएगा तो फिर वॉइस कम आएगी, वो आगे ये जो कर सकते हैं विजय जाके जरा म्यूट कर। हाँ ऐसे ऐसे आ जाएगा तो फिर आवाज गाने की कम आएगी, लेकिन वो अभी वुड का टोन कैसा करते हैं ना।
नमस्कार। मध्यान्तर के पश्चात आप सभी रसिक श्रोतागण का हार्दिक स्वागत। प्रहलाद जी के बारे में मुझे क्या आज पता नहीं, उनको देख के मुझे भी कुछ दो चार श्लोक याद आ जाते हैं और मैं कहने की हिमाकत करता हूँ और कुछ नहीं। प्रहलाद जी के बारे में कहना है तो एक बहुत अच्छा बेहतरीन श्लोक है। विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्य कदाचन, विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्य कदाचन, यत्र पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। वो कहते हैं कि विद्वान और राजा की तुलना नहीं हो सकती है। राजा तो सिर्फ अपने जहाँ उसका राज चलता है वहीं पे उसको लोग मान देते हैं, लेकिन विद्वान को पूरी दुनिया में लोग मान देते हैं। प्रहलाद जी एक ऐसी व्यक्ति है, ये अमेरिका जहाँ जाते हैं वहाँ लोग इनके न सुरों से लेकिन इनके कहन से भी इस तरह से अंकित हो जाते हैं कि सब इनके भक्त बन जाते हैं। तो अब ऐसा होगा कि कोई कबीर गाता है तो हम बोलेगा कि भाई यहाँ प्रहलाद जी है, क्योंकि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र निष्ठामि नारदा, ये भी इनको भी कहना होगा। ये आज संगत करने के लिए जो आज सारे मैं जो सारे सहकलाकार होते हैं उनको कहता हूँ कि ये सारे सत्संग के हकदार हैं, इनसे सत्संग होता है। सबसे पहले धर्मेंद्र जी, वायलिन पे देवनारायण जी, वाह, फिर मयंक जी, फिर स्वयं प्रहलाद जी, ये अशोक जी, और ये है अजय भैया। हम इनको अजय भैया करके बुलाते हैं, आप इनके ही संपर्क में थे। और बिना कुछ कहे सवाल बहुत अच्छा है, अभी इनको अनुज कहूँ या ज्येष्ठ भ्राता कहूँ ये तकलीफ है। अजय भैया तो हमारे जैसे हैं, हमारे साथ हैं। और मयंक इनके सुपुत्र है, तो आज देखिए सब टिप्पणियाँ परिवार के ये सारे सदस्य जो है, और ज़रूरी नहीं कि आप परिवार बनते हैं तो सिर्फ अपने खून के रिश्ते होते हैं। और ऐसा ये सारा भी इनका वर्कशॉप हो रहा है, कब हो रहा है, अगस्त में, मतलब पहले से ही हाउसफुल है। आप वेटिंग लिस्ट में डाल दीजिए, क्या पता किस्मत अच्छी रहेगी तो मिल जाएगी। अगले साल में फ्रेश लिस्ट आती है, फ्रेश इलेक्शन। तो मैं सब आप सभी लोगों का हृदय तल से आभार प्रकट करता हूँ कि आज आप सब यहाँ इकट्ठा हुए एक अलग संगीत सुनने के लिए। इसको लोक संगीत कहते हैं, हम प्रादेशिक संगीत कहते हैं, कुछ भी कहे, लेकिन संगीत ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि जो ईश्वर के समीप आपको जाने का सबसे निकटतम रास्ता अगर कुछ है तो वो है संगीत। इसके लिए अनहत नाथ कहते हैं कि जिस दुनिया में ब्रह्मांड में कुछ नहीं था तो केवल नाथ था, और उसी नाथ का आनंद हम लेते जब ये सुर लगाते हैं तो हमको लगता है कि ये इनकी आवाज़ नहीं, ये उस ब्रह्मांड की आवाज़ हम सुनाई दे रही। धन्यवाद। आप एक एक बात कहते जाएंगे तो कितना मजा आ जाएगा। बिल्कुल। और फिर एंड में हम फाल्गुनी जी को भी कह सकते हैं। हाँ। तो फिर से मैं आपको प्रणाम करूं, और मैं निश्चित रूप से शशि जी द्वैत शशि जी को साधुवाद ज्ञापित करूं कि आपके वंदन करने का अवसर हमको मिला, और वो वंदना बहन की कृपा है, क्योंकि शब्दों की वंदना या शब्दों की जो नाद है, जैसे अभी आपने कहा कि उस अनहद को, तो एक भजन आपने सुना होगा, एक जगह पर हमने भी सुना, आप जैसे संतों से, कि सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, इस मन मंदिर में बाजता, तू बाहर सुने तो क्या हुआ। कबीर साहब भी जो सुनता है वो सच्चा गुरुमुख है, वो सच्चा ज्ञानी है। ये पद भी आप सबको याद होगा, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज़ हो विझिनी। मैं आपको बात बताऊं कि मैं बिल्कुल गायक नहीं हूं, और न ही मैंने कोई संगीत शिक्षा ली है, मुझे संगीत वंगीत कुछ आता नहीं है,
मेरे जीवन में जो संगीत आया वो इस तंबूरे की वजह से आया। मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार जब तंबूरा सन 78 में जब मैं शिक्षक हो गया था तब मैंने पहली बार एक गांव में सुना। मिडिल स्कूल में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ सन 74 में, और उसके बाद मैं उस गांव में रहते थे और वहां गाते थे लोग। हमने कभी नहीं सुना उनको और हम उनको बहुत नफरत करते थे उन गाने वालों से जो तंबूर गाते थे। पर एक दिन हमको पूर्णिमा के दिन पड़ोस के गांव में, देवास ज़िले का गांव है वो गोरखेड़ी, वहाँ पर एक गुरुजी थे भीमपुरी महाराज, तो वो हर पूर्णम पर वहाँ पर भजन होते थे, तो हमको भी बुलाया। तो हमारे स्टाफ में एक और प्रहलाद सिंह थे, तो दोनों प्रहलाद सिंह को बुलाया तो हम चले गए सुनने, और उन्होंने बहुत सारे भजन गाए, मीरा के भी गाए, रामदेव जी महाराज के भी गाए, और कबीर साहब के भी गाए, गोरखनाथ के भी गाए। तो चूँकि हम शिक्षक थे तो हमें थोड़ा गरूर भी था, क्योंकि उन्होंने कबीर के भजन गाए तो भजन अजन किताबों में तो है नहीं, कबीर की हमने साखी पढ़ी थी और याद थी, गुरु गोविंद दोनों खड़े ने चलती चक्की देख कर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ये सब। तो हमने उनसे कहा उनके भजन अजन ख़त्म होने के बाद में कि यार तुमने कबीर गाया ये किताब में तो है ही नहीं, ये कहाँ किताब में कहाँ है। तो बोले कि साहब हमारा बाप दादा गाता, मैंने हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो गाते चले आ रहे, वो मौखिक रूप से हमको याद है, किताब में है कि नहीं ये हमको नहीं मालूम। फिर हमने उनसे पूछा कि ये साज क्या है, तो उन्होंने बोला कि साहब ये तंबूरो है। एक आदमी ने बोला तंबूरा है, एक ने बोले साहब इके वीणा के गांव में, एक ने क्यों इके शारदा भी के, इस तरह से उन्होंने नाम बताया। और उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत थी, तो हमने पहली बार सुनी, पहली बार नाम सुना, और फिर उसको उठा करके देखा, और फिर उसकी आवाज़ से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि मैं उस गाँव में चला गया रहने। मैं 7 साल उस गाँव में रहा गोरखेड़ी में, तो वो खाली 2 किलोमीटर एक नदी बीच में थी, वो गांव उस तरफ था और वो देवास ज़िले का गांव था, और जहां मैं पढ़ाता था वो जिन ज़िले का गांव था। तो फिर वो तंबूर मुझे वहां गांव में उनने दे दिया कि सम सीखो तो ले लो, क्योंकि उस समय पर शिक्षकों की बहुत कदर थी, लोग सम्मान भी करते थे। और मैं आपको बताऊँ, मैं वहाँ उस गाँव में रहा तो मेरे से कभी किसी ने किराए विराए नहीं लिया, फ्री, और जैसे दूध भी फ्री आ जाता था, इस तरह की बात थी उस समय पर। और मैं ये भी बताऊँ आपको कि थोड़ा मैं स्कूल में बहुत स्ट्रिक्ट था, मैं बहुत मारता भी था बच्चों को, और जिस दिन मैं पीरियड में नहीं जाता नहीं तो लड़के लोग तरसते थे कि यार आज सर क्यों नहीं आया, जबकि तो इस तरह का रहा। और वो लड़के का जीवन बहुत है कई जगहों पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो तंबूर सीखने के लिए मैं वहाँ चला गया, और उसके बाद में हमने कभी ये नहीं सोचा था कि गाएंगे, और इस तंबूर की वजह से पूरे देश और दुनिया में जाने का अवसर मिलेगा। तो मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ नहीं, वो तंबूर की वजह से ही हुआ। और आज मुझे लगा, हेमंत जी एक भजन गाते हैं, मैं अभी आपको सुनाऊंगा, कि उस तंबूर को सुनने की वजह से ही आप सब मुझे मिले हैं, यदि ये नहीं होता तो आप नहीं मिलते साहेब, आप भी नहीं मिलते ना आप भी नहीं मिलते। और इसीलिए कबीर की एक साखी है कि गाया बिन पाया नहीं, गाया बिन पाया नहीं ना अणगावन से दूर, और जिन गाया विश्वास से तो साहिब हाल हजूर। तो मेरे लिए आप सब साहिब हैं, आप सब सदगुरु हैं, आप सब ईश्वर सदगुरु जो भी कह दो वो सब आप ही हैं। तो इसलिए इसकी वजह से हमने आपको पाया। और यही बात एक भजन है तमूरा, उसमें भी यही बात कही, तो मैं पहले वही सुना देता हूँ। जो तंबूरा है 5 तार का है, इसमें 5 तार है, और हमारा शरीर भी तंबूरा है। शरीर रूपी तंबूरे के बारे में कबीर के पद हैं, आपने सुने होंगे, ये तंबूरा सुन ले साधु भाई। एक है कि त्रिगुण के ऊपर मेरा बजने लगा तंबूरा, एक ऐसा भी भजन है जो, और ये भी तंबूरा और भी है। तो आज मैं इस तंबूरे की बात करूं, ये 5 तार का यंत्र है, 5 तार का यंत्र है, अरे 5 तार का यंत्र है, अरे रे, और टूट गए सब तार, यंत्र बिचारा क्या करे रे,
जब चला बजावन इस यंत्र के तार टूट जाएंगे और इसको बजाने वाला जब चला जाएगा तो फिर क्या हाल होगा सब जानते हैं। तो इसलिए इसमें ये कहते हैं कि तंबूरा सुन ले साधु भाई, तेरा किया कर्म कट जाई, तेरी लग चौरासी मिट जाई। तो इस तंबूरे को सुनने की बात करते हैं, परंतु वो इस तंबूरे की बात करते हैं। और जैसे अभी शशि जी कह रहे थे अनहदनाद की, तो अनहदनाद इस तंबूर में बजता है और वो कभी भी बंद नहीं है। जिस दिन वो नाद इधर बंद हो जाएगा नहीं, इस तंबूरे का काम खत्म हो जाएगा। और इसीलिए उसको सुनने की बात संतों ने करी है। और ये ही वो सुप्रीम पावर है जिसकी वजह से पूरी कायनात सृजन होता है या सृजनकार है या उसकी वजह से सृजित है। इसलिए कहा है यात्रा शुरू करता है तो सबसे पहला चक्र जो है वो गणेश का है। इसलिए नाथ संप्रदाय की परंपरा में सबसे पहला साधना का जो स्थल है वो गणपति है। पर इसको इस तरह से भी कहते हैं, शारदा का मतलब होता है स्वर की देवी, नहीं? और वो इसको यूं भी कह सकते हैं, कैसा बना? हाँ, पांच तत्व का ये बनया रे तंबूरा, हाँ तीन गुण तार मिलाई। कौन से? इंगला पिंगला और सुषुम्ना, क्योंकि हमारी तीन नाड़ी प्रमुख है
और यहाँ पे बीच तीन के तार जो है वो इसी के परिचायक हैं जो तीनों एक स्वर में है, इसलिए कहा है हा पांच तत्व का थरा बनिया तंबूरा रे तीन गुण तार मिलाई होगा जब हमारे अंदर हम इस तंबूरे को इधर देखें, जो ये तो घड़ा हुआ तंबूर है पर इसको चलाने वाला है वो अनगढ़ है, जिसको घड़ा नहीं जा सकता, जिसको आकार में नहीं बांध सकते, ये सब आप जानते हैं, इसीलिए कहा है अनगढ़ सुधा घड़ियों तंबूरो रे घड़ियों घाट घट माही अनगढ़ सुधा घड़ियों तंबूरो घड़ियों घाट घट माही कहाँ बसता है तंबूरा गगन मंडल में थरो बजे रे तंबूरो गगन मंडल में थरो बजे रे तंबूरो दस में द्वार ठहराई तंबूरा सुन ले सा हर इंसान के अंदर अखंड रूप से बजता है, उसकी आवाज कैसी होती है इसके लिए आखिर में कहा है परमेगा आरंभ रचिया रचियो घट के रमाई आरंभ रुण झुण बाजे रे तमू
कबीर ने यो गायो रे तमूरो सब संतन के रमाई। यदि हम गाए तो हमारे मुंह से निकले तो हाँ साहेब कबीर ने यो गायो रे तमूरो हो सब संतन के रमाई। इसीलिए कबीर कहते हैं कि कोई सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज होवे झीणी। और ये तब होगी जब हम इस रंग महल में आ जाएं, क्योंकि जब तक इंसान इस रंग महल में इस अजब शहर में इस तन रूपी तंबूरे में शरीर में जब तक नहीं आए तो उसको सुनाई कैसे देगा, और बिना शरीर के कैसे सुन सकते हैं। इसलिए उसकी इबादत करने के लिए, और कबीर का एक पद आपने वो भी सुना होगा कि सच्चा मंदिर सच्चा मस्जिद गुरुद्वारा ये मानव का शरीर ही, ये कबीर कहते हैं। तन ही राम का मंदिर संतों तन ही राम का मंदिर, एक उनका पद है। इना मंदिर में उन्मुख कूला वहाँ है सात समंदर, जो संत इमृत पीवे कुएं से वाके भाग बुलंदर। यानी उस अमृत को पीने का काम जो है वो मानव के जीवन में इस शरीर के मार्फत ही कर सकते हैं, और वो उल्टा कुआ। और इसी बात को गुरु नानक साहब कहते हैं कि उल्टा कुआ गगन में जिसमें जरे चराग, बिन रोगन बिन बाती से अखंड हो तो प्रकाश। वो भी यही बात कहते हैं। इसी बात को जो नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ जी हैं वो कहते हैं कि गगन मंडल घड़ियाला बाजे गगन मंडल घड़ियाला। तो सुन तो सही यार, पर अब हमने कभी इधर तो सुना ही नहीं। मंदिर में पूजा करते हैं वो एक इशारा है, और दोनों करते हैं, एक हाथ में वो दिया और एक हाथ में वो पीछे वो घंटी बजाते हैं, इस तरह से दोनों एक साथ चलती है। यानी ये दो चीज़ें एक साथ है, दीपक को देखा जा सकता है उसको सुना नहीं जा सकता है, और आवाज़ को सुना जा सकता है उसको देखा नहीं जा सकता है। और वो दोनों जब पैदा होती ना तो एक ही थी, पर जब प्रस्फुटित होकर के आती है तो उसका एहसास के रूप में हम इस पिंड के मार्फत इस तरह से कर सकते हैं। देखेंगे तो प्रकाश के रूप में दिख सकता है, और यदि सुनेंगे तो नाद के रूप में सुन सकता है, जिसके बारे में अभी साहब ने कहा था अनहद। एक भजन, एक कई भजन है, एक भजन क्या, नगर उड़े झनकार मारी हेली वो अनहद का बाजा बजे, एक भजन ऐसा है, तो उस बाजे को सुन सकते हैं। तो पहले इस रंग महल में आ जाएं, उसके बाद में इस रंग महल में आने के बाद में वो तब तक संभव है जब तक इधर हंस रहेगा, तब तक जो इस शरीर को चलाने वाली जीवात्मा हंस है वो रहेगा तब तक। तो इसलिए पद है इस घट में यो घट पाया, इस घट में यो घट पाया,
अरे घट में यो घट पाया रे रे और ओ घट माही घाट सब ही संशय मिट गया जब गुरु दिखाई बात क्यों क्योंकि गुरु कुमार सिद्ध कुंभ है न घट घट काड़े खो अरे अंतर हाथ सहार दे रे और बाहर मारे चो वो है गुरु इसलिए इस रंग महल में आ जाएं कैसे रंग महल में अजब शहर में आधार हंसा भाई निर्गुण राजा पे त्रिगुण से बिछाई या त्रिगुण से बिछाई बिना रंग महल में अजब शहर में आधार हंसा भाई ऐसी ऐसी सिरगुण से बिछाई यहाँ यहाँ सिरगुण से बिछाई हरे हरे भाई पूना देवलिया में देव नाही झालर कूटे गरज कसी हरे हरे भाई पूना मंदरिया में देव नाही झालर कूटे जरत कसी वो तारा रंग महल में अजब शहर में आधार हंसा भाई त्रिगुण राजा पे त्रिगुण से बिछाई ओहो तब होगा जब हम हदों से ऊपर उठें जब तक इंसान जिन हदों में बंधा हुआ है और कौन कौन सी हदों में हम बंधे हैं सबको अपना अपना पता है इसलिए पहले उन हदों से तो ऊपर उठें जो हम बाहरी रूप में बंधे हुए हैं इधर भी तब तक नहीं आ पाएंगे जब तक हम इसमें भी जिन हदों से बंधे क्योंकि हदों में बंधने का काम मैं जहां तक सोचता हूं मैं यहां से बंध रहा हूं कि ये माइक है यहां से बंध रहा हूं कि बहन बैठी है यहां से बंध रहा हूं कि ये वो है ये यहां से बंधे इसलिए जब तक आदमी इन हदों से ऊपर नहीं उठे तब तक तो गड़बड़ मामला रहेगा और इसीलिए कबीर कहते हैं कि हद में पीऊ न पाइया और बेहद में भरपूर और हद बेहद की गम लखे और तासो पीऊ हजूर इसलिए वो इसमें यूं कहते हैं आगे हारे हारे भाई बेहद की तो गम नाही नूगरा से कसी हारे हारे भाई बेहद की तो गम नाही नूगरा से कसी हरा रंग महल अजब शहर में आधार हंसा भाई त्रिगुण राजा पे त्रिगुण से बिछाई त्रिगुण से बिछाई जो इंसान इन हदों से ऊपर उठ गया तो फिर उसे उसका एहसास होगा ही ये वो कहते हैं इसलिए वो कहते हैं आगे हारे हारे भाई
किए ये है तुमको नहीं, वो प्रेम और सद्भाव का अमृत रूपी प्याला सबको सर्वांगसम स्थिति में पिलाएगा। इसीलिए कहा है अरे हारे भाई अमृत प्याला भर पाओ भाई रसे भ्रांत सी तारा रंग महल में अजब शहर में आधारे हंसा भाई सगुण रूपी जो सेज बिछाई है इसके लिए निश्चित रूप से हम शशि जी को वंदना बहन को बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि उनकी वजह से आज आप और हम सब यहाँ इकट्ठे हुए और ये मेरा सौभाग्य है कि कबीर की वजह से आप सब कबीर आत्मा मिली हमें और ये कुछ न कुछ कहीं ना कहीं हमारी भी कोई अच्छी करनी होगी तो थोड़ा बहुत गाना बजाना सीख गए इसकी वजह से आप मिले और जिन्होंने अच्छी करनी करी नहीं बस तो ही सबसे बड़ी बात है और ये उस बात का परिचायक है कि उनकी आंखों के ऊपर ऐसी लाली प्रेम की सद्भाव की चढ़ी हुई है तब और इसलिए वो नूर वो लाली सब दूर एक जैसी दिखती है और ये अच्छे कर्मों का प्रतिफल है कि कहीं ना कहीं इन्होंने इनसे जोड़ने का और इन्होंने आप और हम सबको जोड़ने का यहाँ काम किया। इसलिए जहाँ देखूँगा वही अब कबीर ही कबीर दिख रहे हैं, जहाँ देखूँगा शशि जी दिख रहे हैं। तो इस वजह से एक पद में कहा है ए जी साहिब तमारी साहेबी, साहिब तमारी साहेबी, अरे साहिब तमारी साहेबी, रे रे और सब घट रही समाई, कैसी जो मेहंदी के पात में रे रे और लाली लखी नहीं जाए, क्योंकि मेहंदी तो हरी होती है उसमें कहाँ दिखे थी, उसको तो घोट घाट के जब पीस करके लगाए तो मालूम पड़ेगी लाली, और जिसने लाली वो लगा लिया तो वो भी लाल हो गया। इसलिए कहा है ए जी लाली मेरे लाल की न जित देखूं तो लाल, अरे लाली देखन में गई तुम्हें भी हो गई लाल। और जब सब सबके पास लाल हो तो फिर कंगाल कौन रहे, पर दुर्भाग्य कहेगा कि हम जैसों के पास में लाल बंधा हुआ पर वो आज तक गांठ खोल करके देखा ही नहीं तो लाल रहते भी कंगाल बन करके बैठे हैं, और कोई इसे भेद दिया उस लाल को खोल करके हाथ में रख दे तो माला माल, अन्यथा लाल रहते भी कंगाल। अब किस तरह से दुनिया में कंगाल बन करके कौन बैठे हैं और कौन लाल को खोल करके माला माल हो गए हैं ये बात विचारनी है। इसलिए कहा है ए जी लाल लाल तो सब कहे और सबके पल्ले लाल, पर गांठ खोल देखा नहीं तो यासे भया कंगाल। इस भेद और इस मर्म को जिनने जान लिया उसने पूरी कायनात के लिए अच्छा काम किया और उसकी करनी अच्छी रही। तो एक जगह पर कहा कि करनी बिन कथनी कथिन अज्ञानी दिन रात, और कुकर समान भूसत फेरे ने सुनी सुनाई बात, और कहीं ऐसा भी नहीं कि थोते तीर चलाया करें, करनी कारज माने ही ने थोते बांधे तीर, और बिरह बाण जिनको लगा तो विकल होत शरीर,
जिनको ऐसा विरह का प्रेम का बाण लग गया नहीं, उसको अंदर चकनाचूर हो जाएगा, बाहर से दिखेगा नहीं घाव, परंतु अंतर से वो टूट जाता है। तो इसलिए कहा है पर यहाँ पुना के पास में किसी संत से मिलने गई, तो वहाँ पर मिलने गई तो वो निरादुर दोनों गए थे, तो उन्होंने गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी के जो भी सेवक होंगे उनको बोला कि हम गुरुजी से मिलना चाहते हैं, तो बोले ठीक है। तो वो गए गुरुजी से, पूछा कि गुरुजी कोई मिलने आया, बोले कौन है, तो बोले एक लड़की है और एक आदमी है, बोले कि कह दो कि हम लड़कियों से मैंने औरतों से नहीं मिलते। तो मैं पुना गया था, उनके वहाँ रुका था, तो उन्होंने ये बात कहानी सुनी मुझे के बाबा, वो मुझे बाबा कहती है, तो बोले बाबा हम वहाँ मिलने गए थे तो हमको तो उन्हें मिले नहीं, और उन्होंने कहा कि हम तो औरतों से नहीं मिलते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, उनके मन में इस तरह का होगा। तो मैंने उनसे कहा कि बेटी तुम्हें यूँ भी कह देना था कि यदि हम नहीं होते तो आप कहाँ से आते। अरे इस सृष्टि के सृजनकार आप हैं, पृथ्वी पर जितना सृजन है इस पूरी कायनात का वो माँ के द्वारा है। और बताओ, ठीक है आपका सोच ऐसा हो सकता है, परंतु आप ये सोचें, इसीलिए यहाँ पर कहा है कबीर, वो ये अंतर आगे है कि नर नारी में एक विराजे दो दुनिया में दिसे क्यों, और बालक होकर रोवण लागे राखण वाला तू का तू। आपको इनको इनको मुझको सबको चलाने वाला जो सुप्रीम पावर है ना, वो औरत नहीं है या वो आदमी नहीं है, वो एक नूर है। ये तो केवल प्रकृति के सृजन के लिए शरीर का आकार प्रकार थोड़ा सा भिन्न है, जबकि इसका निर्माण तो पांच तत्वों से सबका हुआ, कौन स्त्री और कौन पुरुष। तो इसलिए कहा है नर नारी में एक विराजे दो दुनिया में दिसे क्यों, बालक होकर रोवण लागे राखण वाला तू का तू।
दो दुनिया में दिसे क्यों बाल ठोकर रोमन लागे न राखण वाला सुखा तू ए इनका भेद बता मैं रे उदू अच्छी करनी कर ले हां डाली फूल जगत के माई जादे कबीर की सोच कितनी ऊंची होगी आखिरी में कहते हैं ए जलथल जी मैं तू ही बिराजे जादे कुआं तू का तू कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है तू का क्यों आ जलथल जी मैं तू ही बिराजे जादे कुआं तू का तू कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु मिला है तू का क्यों ए इनका भेद बता मैं रे तू अच्छी करनी कर ले डाली फूल जगत के माही जाने कुआं तू का डाली फूल जगत के माही जाने कुआं तू का। इस तरह से है कबीर साहब ने इसीलिए कह दिया कि जिसको जैसा गुरु मिला, एक जगह यूं क्यों है कि जैसा जिनका नदी नाला ऐसा इनका कड़खा और जैसा जिनका माता पिता वैसा इनका लड़का, तब उनको गुरु जैसे मिले कि नहीं तुमको इनसे नहीं मिलना, तो वो कर रहे हैं वो उनके गुरु का कहना मान रहे होंगे, वो बुरी बात नहीं है। परंतु कबीर का सोच देखिए, संतों का सोच, संतों ने जितने भी हुए, ब्रह्मानंद का एक पद है माने पूरा सदगुरु पाया, उसमें आखिरी में वो यही कहते हैं कि इस मानव समाज के अंदर जो अनेक प्रकार की ड्वेलिटियाँ हमारी ना समझी की वजह से हम खुद खड़ा कर लेते हैं, उनको मिलाने का काम किया संतों ने, हमेशा जोड़ने का काम किया। संगीत की व्याख्या आपने बहुत अच्छी करी, संगीत का मतलब ही होता है संत। संगीत तीन शब्दों से मिलकर के बना, सब आप जानते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जैसे इस गीत की वजह से आज हम मिले, तो संगीत में पहला अक्षर हटा दो पहले तो शेष बजता है गीत, तो गीत की वजह से आज अपन ये भेड़ा होया, इकट्ठा होया। अब पीछे का अक्षर हटा दो तो संगी, ये ना सब हम साथ हो, गीत की वजह से हम सब साथ हो गए आज। और अब बीच का अक्षर हटा दे तो संत, तो आप सब संत ही हैं। यह है सत्य, संगीत का मतलब यह है संतत्व की स्थिति। तो बस अब हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। उड़ जाएगा हंस अकेला, देवनारायण गाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते हैं, क्योंकि कुमार जी, और मैं कुमार जी को बहुत नमन और साधुवाद ज्ञापित करूं कि उन्होंने कबीर को गा करके पूरी दुनिया में पहले उन्होंने इस चीज़ को जाहिर किया। शायद जब हम 2003 में अमेरिका गए तो उस समय पर हमारे साथ में भी एक कृष्ण शुक्ला करके थे, तो हमने देखा कि उस समय पर वहाँ पर कबीर को सुनने वाले, कुमार जी को सुनने वाले यही उड़ जाएगा हंस अकेला और सुनता है गुरु ज्ञानी हमारे सदाराम रजनी, बहुत सारे उन्होंने पद गाए। और आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि कुमार जी जब देवास में चले गए, उसके बाद में वहाँ की जो लोक मंडलियाँ थी उनको सुनने के बाद में उन्होंने कबीर को शुरू किया। उसके पहला वो शास्त्रीय संगीत के तो महापंडित थे, परंतु कबीर को गाने का बात उन्होंने वहाँ के लोक मंडलियों को सुन करके उसके बाद में उन्होंने अपने तौर तरीके से गाया, बताइए। तो देवनारायण अभी कह रहा तो भी गाए है अच्छा ये तो अब आप निर्णय कर लो। इनी माला को मनिया की बात करें, देखो बहन ने माला पहन रखी उनने, और जिस माने के मणि की बात करी, संतों के मुताबिक माला है निज श्वास की, श्वास रूपी माला है। जब तक वो ऐसा सूत डालने का काम आपने किया है साहेब कि उन मणियों को एक सूत में बांध करके आज अपने को सबको इकट्ठा कर लिया, तो इस वजह से श्वास रूपी माला की बात कबीर करते हैं कि श्वास माला है निज श्वास की, न फेरेगा कोई दास, वो चौरासी भर में नहीं न कटे काल की फांस। तो इसलिए ये सुना दो जो भी आपको माला बनाई काठ की और बीच में डारा सू
हर माला बिचारी क्या करे जब फेरन हार कपूत। अब बताओ माला बिचारी कहीं करे फेरो वाला आज कपूत बनी जाओ तो। ए जी माला मो से लड़ पड़ी और क्या तू फेरे मो अरे मन माला के फेरते तेरे घटू जियारा हो तू माला है निज नाम की और फेरेगा कोई दास अरे चौरासी भर में नहीं इसलिए जाग जाओ ए जी काल खड़ा सिर ऊपरे जागो वीराने जी अरे जागा घरे गेल में तू क्यों सोवे संगत मेरा और
ऊपर वालो जोयो जमारो माया जाल में खोयो रे जवानी आयो बुढ़ापो गई जवानी आयो बुढ़ापो रा अर गई रे जवानी आयो बुढ़ापो गई जवानी आयो बुढ़ापो रा अर धोला देखने रोयो जमारो माया जाल में होयो रे भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो रा अर कहे कबीर सुनो भाई साधो कह कबीर सुनो भाई साधो रा विरथा जन्म गमायो जमारो माया जाल में होयो रे वैसे खोने की जरूरत नहीं है साई संत ने कहा। और बस अब मैं निश्चित रूप से आप सबका बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं और आपने इस गाड़ी में बिठाया, इस आध्यात्मिक गाड़ी में बिठाया, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद है। और हम भी अपनी गाड़ी को रवाना करें, आप भी अपनी गाड़ी को रवाना करें इस भजन के मार्फत। अंतिम में ए जी धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, अरे माली सींचे सो घड़ा और ऋतु आवे फल हो, अरे एक ही साधे सब सधे और सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को फूले फले घा। मूल को सींचने की बात करी और इस शरीर रूपी जो वृक्ष है इसका मूल क्या है ये एक चिंतनीय विषय है और ये आप सब जानते हैं। ये शरीर जिसकी वजह से चलता है वो हमारा मूल तत्व है, उसको सींचने की बात करिए और वो आपकी श्वास है और इसीलिए श्वास ही सब कुछ है। जब तक श्वास है तो
सब कुछ है, और जिस दिन श्वास बंद हो जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, ये भी सब जानते हैं। इसको इसको साधना, इसको पकड़ना या इसके मार्फत हमारी ऊर्ध्वगति में आना, ये एक समझ की बात है, एक एहसास की बात है, एक किसी न किसी भेद की बात है, किसी न किसी सीखने की बात है। तो यदि वो याद भी हो गई, परंतु यदि हम चढ़ नहीं पाए तो भी गए काम से, और यदि चढ़ भी गए और यदि चखा नहीं तो भी, एक झाड़ के ऊपर चढ़े और यदि फल को चखा नहीं तो भी मालूम पड़ेगा कि पता नहीं मीठा था खट्टा था। इसलिए एक जगह पर यह भी कहा है, ए जी मूल पकड़ा तो क्या हुआ, अरे चढ़ा पर चखा नहीं तो होश रही मन मान। अब होश मत रखो मन में, ऐसे गुरु से ले लो, मन में होश न राखिए और गुरु है प्रगट दे। अरे तन सहित मन ले चलो और करो गुरु की से। मिट्टी मिट्टी में मिलेगी, सब जानते हैं, चाहे जला दो या गाड़ दो,
परंतु आजकल तो जलाने और गाड़ने के पीछे भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दुर्भाग्य कहिएगा समझ या ना समझ की नहीं, इसलिए कहा है संत समाज की आज के आनंद की आनंद करावे उनकी साहेब। एज यूजुअल ही वुड लाइक टू ऑनर ऑल द आर्टिस्ट। सबसे हम मिल पाए, ये हमारा सौभाग्य है। थैंक यू। सो डिनर इज ऑन सेकंड फ्लोर, आई थिंक योर टीम विल एंश्योर दैट।